आजकल दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए खुद के लिए समय निकालना एक अप्राय विलासिता है। बहुत कम लोग अपने लिए समय निकाल पाते हैं। परिवार, काम को संतुलित करने और खुद के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत अधूरी ही रह जाती है। ऐसी परेशान करने वाली चिंताओं से होने वाला तनाव अक्सर कई बीमारियों को जन्म दे देता है, जो मन और शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इसने आधुनिक मानव को ऐसे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शांति और आत्म चिकित्सा प्राप्त करने की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार योग एक प्राचीन अनुशासन का पुनर्जन्म हुआ और आधुनिक दुनिया में यह लोकप्रिय होता चला जा रहा है। योग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल है और यह आत्म चिकित्सा को बढ़ावा देता है। योग शब्द का अर्थ एकजुट होना और यह मन, शरीर और आत्मा के साथ ऐसा ही करता है। ब्रह्मांड के साथ एकता प्राप्त की जा सकती है और साथ ही जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी उचित समझ और प्रशंसा भी की जा सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को समझाया है कि योग पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा अंतरंग संबंध है, प्रकट ब्रह्मांड से परे भी शाश्वत क्षेत्रों के साथ और हमारे अपने अस्तित्व की प्रेम करने की अनंत क्षमता के साथ। व्यस्त नींद से वंचित दुनिया में योग केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। तब से कई देशों ने इसे अपनाया और जिया है। विषहरण लाने के अलावा योग में कई स्वास्थ्य लाभ भी शामिल हैं जो आधुनिक मानव के शरीर को चाहिए। आज हम आपको तुला नौकासन योग के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। तुला नौकासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब उस पर बैठ जाएं और संतुलन बनाते हुए शरीर का वजन नितंब पर टिकाते हुए श्वास लेकर इस तरह से नितंब पर शरीर को टिकाएं और हाथों से घुटनों को अपनी ओर खींचते हुए रीढ़ को सीधा करें और दोनों पंजों को घुटने से ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। श्वास रोके हुए ही इस स्थिति में कुछ देर रुकें, फिर सामान्य स्थिति में श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 7 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। तुला नौकासन का रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट और साइड की चर्बी कम होती है। रोजाना अभ्यास आपके हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों के लिए भी बेहद उपयोगी है। पेट की मांसपेशियों को टोन करने और मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अभ्यास के दौरान आपके पेट की अंदरूनी मांसपेशी और आंतों पर विशेष दबाव पड़ता है, जिससे उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इस आसन का अभ्यास एब्स बनाने में भी बहुत उपयोगी है। अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका अभ्यास करने से आपकी रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत व लचीली बनती हैं और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। आज के समय में घंटों तक कुर्सी या सोफा पर बैठकर काम करने से लोगों का पोस्चर बिगड़ता चला जा रहा है। इसके अलावा घंटों मोबाइल में लगे रहने के कारण आपकी गर्दन का पोस्चर भी बिगड़ रहा है। इसकी वजह से आपको गर्दन और कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में तुला नौकासन का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। डायबिटीज की समस्या में यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित रूप से अभ्यास से आपका शरीर का रक्त परिसंचरण व शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। शुगर के स्तर को बनाए रखने के अलावा इस आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर का ब्लड फ्लो, साथ में रक्तचाप भी संतुलित रहता है। नौकासन पेट के अंगों की कोमल मालिश प्रदान करता है, जिससे गुर्दे और आंतों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। तुला नौकासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। तुला से अभिप्राय तराजू से है। नौका को नाव की ओर इंगित किया गया है। आसन से अभिप्राय शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। क्योंकि इस योग में नितंब के बल तराजू की तरह नौकासन लगाया जाता है, इसलिए इसे तुला नौकासन कहते हैं। अंग्रेजी में इस आसन को स्केल बोट पोज कहा जाता है। यह नवासन या बोट पोज का ही एक वेरियंट है। तुला नौकासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से
इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। तुला नौकासन एक आसान सा आसन है। इसे करने के लिए विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसे बहुत आसानी से कर सकता है। फिर भी नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं सावधानी पूर्वक सहजता से जब तक कर सके इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। तुला नौकासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और समय के साथ इसे बढ़ाएं। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था तुला नौकासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।